नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं दीपक डोभाल, वक्त तो चला है बुलेट बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें फटाफट अंदाज में, कोरोना से जुड़ी हुई देश और दुनिया के तमाम अपडेट और साथ ही बात होगी बाजार और कारोबार की। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। आज उन्होंने कोरोना से बिगड़ते हालात की समीक्षा के लिए राज्य के सभी राजनीतिक दलों की बैठक की। इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने निजी अस्पतालों में चार्ज फिक्स करने की मांग की। इस मामले पर वीके पॉल कमेटी का गठन किया गया है जो 2 दिनों में रिपोर्ट देगी। गृह मंत्री ने कहा कि 20 जून तक दिल्ली में रोज 18,000 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना पर सही आंकड़े नहीं दिए। कांग्रेस ने मांग उठाई कि सरकार कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे। इसके साथ ही कांग्रेस ने कंटेनमेंट जोन में शामिल प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 4थे साल के छात्रों को नॉन परमानेंट रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में शामिल कर उनकी सेवाएं ली जाएं। दिल्ली में लॉकडाउन की अटकलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के एक मैसेज जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि 15 जून से फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस फर्जी संदेश में कहा गया कि इस बार लॉकडाउन बहुत सख्त होगा। हालांकि इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी साफ किया था कि लॉकडाउन को लेकर कोई चर्चा नहीं है। कोरोना संकट और लॉकडाउन पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वाक्य शेयर किया जिसमें लिखा है, अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक चीज केवल घमंड है। इससे पहले राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 ग्राफ ट्वीट किए थे। इन ग्राफ्स में बताया गया था कि देश में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ICMR में मीडिया में कोरोना को लेकर फैल रही एक खबर का खंडन किया है। इसमें ICMR के हवाले से बताया गया था कि देश में नवंबर में कोरोना अपने पीक पर होगा। इस खबर को ICMR ने भ्रामक बताया है और कहा है कि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं जारी की। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि देश में अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की भारी कमी होगी। ICMR ने साफ किया है कि ये स्टडी उसने नहीं की है, ये कोरोना को लेकर उसकी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। ICMR और एम्स ने मिलकर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। साउथ कोरिया की कंपनी की किट को सही पाया गया है। इसका प्लांट मानेसर गुड़गांव में लगा है। इस रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए नाक से सैंपल लिया जाएगा जिसके नतीजे 30 मिनट के अंदर आ जाएंगे। नई गाइडलाइंस के तहत कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट इलाकों में इस टेस्ट किट के जरिए जाँच की जाएगी। बुखार के लक्षण वाले हर व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा। ICMR की नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कैंसर, किडनी जैसी गंभीर मरीजों का भी टेस्ट किया जाएगा। अस्पताल में आने वाले मरीजों का टेस्ट कराना होगा। अगर सैंपल नेगेटिव आता है तो RT-PCR टेस्ट के जरिए दोबारा कन्फर्म किया जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे पॉजिटिव ही माना जाएगा, दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं है। सही नतीजों के लिए लक्षणों के 5वें दिन के बाद टेस्ट करना चाहिए। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के बाद विपक्ष के 2 नेताओं ने राज्य सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को निराधार भी बताया उन्होंने। राजस्थान विधानसभा में
विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने भी आरोप लगाया था कि सरकार हॉर्स फीडिंग की जांच की आड़ में विपक्षी सदस्यों के फोन कॉल टैप कर रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के दो कर्मचारियों के लापता होने की खबर है, उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही ये मामला पाकिस्तान के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने भी उठाया गया है। भारत ने दो दिन पहले ही पाकिस्तानी उच्चायोग के दो अधिकारियों को जासूसी करने के आरोप में निकाल दिया था। अब इस घटना को पाकिस्तान के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि CISF के दो ड्राइवर्स ड्यूटी पर बाहर गए थे और उसके बाद से वो लौटे नहीं हैं। भारत नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, इस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि लिपुलेख में भारत की ओर से बनाई गई सड़क एकदम भारतीय सीमा के भीतर है। भारत नेपाल के बीच अगर कोई गलतफहमी है तो हम उसे बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। नेपाल ने हाल ही में भारत के 3 इलाकों को अपने नक्शे में शामिल किया है जिसको लेकर विवाद चल रहा है। और अब बात बाजार की, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार 2 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 552 अंक की कमजोरी के साथ 33,229 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक की कमजोरी के साथ 9,814 के स्तर पर बंद हुआ है। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से आज भारतीय बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में बिकवाली रही, वहीं निफ्टी के 50 में से 42 शेयरों में बिकवाली रही। बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयरों में बिकवाली रही। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा पिटाई प्राइवेट बैंकों, रियल एस्टेट, NBFC, मेटल्स और ऑटो शेयरों की हुई है। प्राइवेट बैंकों में इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, RBI बैंक, RBL बैंक सबसे ज्यादा गिरकर बंद हुए हैं। रियल एस्टेट में DELF, इंडिया बुल्स रियलिटी और प्रेस्टीज एस्टेट पिटे हैं। आज के कारोबार में सरकारी बैंक में अच्छी तेजी देखी गई। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक, PNB ये मजबूत होकर बंद हुए हैं। आज मिड कैप 171 अंक गिरकर और बैंक निफ्टी 741 अंक गिरकर बंद हुआ। इक्विटी मार्केट की तरह रुपया भी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 76 के स्तर से भी नीचे फिसल गया। आज रुपया 18 पैसे कमजोर होकर 76.03 पर बंद हुआ। रुपया शुक्रवार को 75.85 पर बंद हुआ था। आज रुपए की शुरुआत भारी गिरावट के साथ 75.95 पर हुई थी। आज रुपए ने 75.92 से 76.15 की रेंज में ही कारोबार किया। इस साल रुपया अब तक 6.5% तक टूटा है। रुपए ने इसी साल 76.91 का सबसे निचला स्तर भी छुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इश्यू यानी पार्टली पेड अप शेयरों की आज शेयर बाजार में एंट्री हो गई है। राइट्स इश्यू अपने बेस प्राइस से 44 रुपए प्रीमियम के साथ 690 रुपए पर लिस्ट हुआ है। इसका बेस प्राइस 646 रुपए था। 53,124 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू 3 जून को बंद हुआ था। इससे निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला था और ये करीब 1.5 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। राइट्स इश्यू के तहत शेयर धारकों को RIL ने 15 शेयरों पर एक शेयर आवंटित किया है। RBI लाइफ का ऑफर फॉर सेल यानी OFS आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है। OFS के जरिए SBI 2.1% हिस्सेदारी बेचेगा। OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचने के लिए फ्लोर प्राइस 725 रुपए तय किया गया है। इसके पहले संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। ज्यादा बोलियां 741 रुपए पर आई थी। प्रमोटर SBI की कंपनी में फिलहाल 57.6% हिस्सेदारी है।
आज आरती इंडस्ट्री के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आरती इंडस्ट्री से ग्लोबल एग्रो केमिकल ने 10 साल पुराना करार खत्म कर लिया है। ग्राहक की स्ट्रैटेजी में बदलाव के चलते ये करार रद्द हुआ है। कंपनी ने अपने फोकस उत्पादन की बजाय तैयार माल खरीद पर कर लिया था। करार के तहत 10 साल में 4000 करोड़ रुपए आय का अनुमान था और करार खत्म होने पर आरती इंडस्ट्रीज को 912 से 988 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी है। इसे कारोबार के हिसाब से दो अलग अलग कंपनियों में बांटा जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार की योजना की जानकारी दी है। बंटवारे के बाद कंपनी का एक हिस्सा ट्रांसमिशन के लिए होगा। इसका सारा फोकस सिर्फ ट्रांसमिशन बिजनेस के को लेकर रहेगा। इस खबर के बाद गेल के शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। गेल का शेयर 5% तक उछला है। सन फार्मा और हिक्मा ने एक एक्सक्लूसिव करार किया है। ये करार इलूमिया दवा की बिक्री के लिए हुआ है, जिसे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में बेचा जाएगा। इस करार के तहत लाइसेंस 15 साल तक के लिए मान्य होगा। इस करार की शर्तों के मुताबिक हिक्मा प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन और कमर्शियलाइजेशन का जिम्मा उठाएगी। सन फार्मा की जिम्मेदारी प्रोडक्ट की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाना होगा। मई महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। ईंधन और बिजली के दाम घटने से थोक महंगाई दर 3.21% गिरी है। हालांकि इस दौरान खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े हैं। WPI की सालाना दर मई में 3.21% रही, जो कि पिछले साल 2.79% बढ़ी थी। मई में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 3.6% से घटकर 2.31% रही है। ईंधन और बिजली की थोक महंगाई में मई के दौरान 19.83% की गिरावट नजर आई है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एडाई ने बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक अगर किसी बीमा धारक ने लगातार 8 साल तक प्रीमियम जमा किया हो तो कंपनी उसके बीमा दावों पर विवाद नहीं खड़ा कर सकती, उसके क्लेम में कोई आनाकानी नहीं कर सकती। एडाई ने कहा कि मौजूदा बीमा उत्पादों के सभी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट जो गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है, उनमें बदलाव किया जाएगा। ये बदलाव 1 अप्रैल 2021 के बाद जब रिन्यूअल के लिए पॉलिसी ड्यू होगी उस समय से लागू होंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में देश में 11,502 मामले सामने आए हैं। इससे अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,424 हो चुकी है। इस दौरान 325 लोगों की मौत भी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9,520 हो गया है। हालांकि रिकवरी रेट में सुधार भी जारी है। रिकवरी रेट अभी 51% के पार है, यानी बीमार होने वालों से ज़्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली सभी ट्रेनों को अब पुरानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। ये फैसला भारतीय रेलवे ने किया है। कुल 5 जोड़ी ट्रेनों यानी 10 ट्रेनों को शिफ्ट किया गया है। ये सभी ट्रेनें बिहार और उत्तर प्रदेश को जाती हैं। आनंद विहार टर्मिनल के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आइसोलेशन वार्ड के तौर पर बनाए गए ट्रेन के डिब्बों को खड़ा किया जाएगा। इन आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। लॉकडाउन के पूरे 85 दिन बाद मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें आज से शुरू हुई, लेकिन इन ट्रेनों में वही लोग सफर करेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। लोकल ट्रेन्स में आम यात्रियों की चढ़ने की इजाज़त नहीं है। पश्चिम रेलवे के मुताबिक 73 जोड़ी सब अर्बन सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं। सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेनों की शुरुआत हुई है। ज़रूरी सेवाओं से जुड़े करीब 1,25,000 लोग इन ट्रेनों में सफ़र कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में CRPF के 10 जवान और 5 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इनमें से
किसी ने कहीं यात्रा नहीं की थी। संक्रमित लोगों के संपर्क तलाशे जा रहे हैं ताकि उन्हें आइसोलेशन में डाला जा सके। बीते 5 दिन में तीसरी बार सीआरपीएफ के कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले 10 जून को 28 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। शनिवार को 24 जवान संक्रमित पाए गए थे। 8 जून को एक संक्रमित जवान की मौत भी हुई थी। शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 5 जुलाई को पवित्र छड़ी मुबारक की पहली पूजा होगी। महंत दीपेंद्र गिरी ने इसका ऐलान किया है। पहली पूजा के साथ ही विधि अनुसार पवित्र यात्रा की शुरुआत होगी। इस साल यात्रा कोरोना को ध्यान में रखते हुए सीमित और सांकेतिक पूजा होगी। श्रीनगर के दशनीमी अखाड़े में अमरनाथ यात्रा जाने वाली छड़ी मुबारक की पहली पूजा होगी। इस पूजा में देश के कई राज्यों से महंत और साधु हिस्सा लेंगे। ये पूजा 20 दिनों तक चलेगी। सुशांत सिंह राजपूत के करियर की आखिरी फिल्म दिल बेचारा बहुत जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। मेकर्स इसे सुशांत को अपनी तरफ से ट्रिब्यूट बता रहे हैं। दिल बेचारा हॉलीवुड फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार्स का हिंदी रीमेक है, जो पिछले साल नवंबर में रिलीज होनी थी, लेकिन इसके बाद इसे 8 मई तक के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। Amazon Prime Video की तर्ज पर Disney Hotstar जल्द ही 8 बड़ी फिल्मों के डिजिटल रिलीज की घोषणा करने वाला है। Disney Hotstar ने अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम, अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2, अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल, सुशांत राजपूत की फिल्म दिल बेचारा, कृति सेन स्टार मीमी, सनी कौशल की शिद्दत और कुणाल खेमू की लूट केस के OTT रिलीज राइट्स खरीद लिए हैं। आइकॉनिक हीरो चाचा चौधरी और साबू जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएंगे। टून्स मीडिया ग्रुप ने डिज्नी और हॉटस्टार के साथ एक डील साइन की है। OTT पर सीरीज का दूसरा सीजन टेलीकास्ट किया जाएगा। शो के नए एपिसोड्स के लिए प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसमें 11 मिनट के 52 एपिसोड शामिल होंगे। चाचा चौधरी को इंडियन कॉमिक और एनिमेटेड मीडिया में माइलस्टोन माना जाता है। बीते 5 साल में चाचा चौधरी के 500 से ज्यादा टाइटल पब्लिश हो चुके हैं। क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने डिप्रेशन पर कहा कि अगर आप इस बीमारी से ठीक नहीं हो तो ये बुरी बात नहीं है, और ज़रूरी है कि आप उस पर बात करें जो आपके अंदर चल रहा है। उथप्पा ने हाल ही में कहा था कि वो डिप्रेशन में थे और उनके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे। उथप्पा ने ट्वीट किया कि वो इससे बार बार नहीं दोहरा सकते। उन्होंने कहा कि जो हम महसूस कर रहे हैं उस बारे में बात करने की ज़रूरत है। BCCI चेयरमैन सौरव गांगुली ने 2011 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के उस छक्के को याद किया है, जिसके बाद भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। गांगुली ने कहा कि धोनी का वो कारनामा भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस टीम में 7 या 8 खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2007 विश्व कप उनके करियर का सबसे खराब दौर था और उस समय हमने खेल को एक साथ छोड़ने का मन बनाया था। हरभजन ने कहा कि ग्रेग चैपल ने टीम में फूट डालने का काम किया। कोई नहीं जानता था कि वो हमारे कोच बनकर जब आए तो उनका मकसद क्या था। कोई नहीं जानता था कि किसी मजबूत टीम को उनसे बेहतर कैसे खराब किया जाए। हरभजन ने कहा कि वो जो चाहते थे करते थे। मेलबर्न के रॉकबैंक उपनगर में गलियों के नाम सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली के नाम पर होंगे। अभी इस कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। इस सोसाइटी को एक्वलेट एस्टेट बना रहा है, जो तेंदुलकर ड्राइव, कोहली क्रीसेंट और देव टेरेस के नाम से खरीदारों को लुभा रहा है। यहां
वॉ स्ट्रीट, मियादाद स्ट्रीट, एम्ब्रो स्ट्रीट, सोबर्स ड्राइव, कैलिस वे, हेडली स्ट्रीट और अकरम वे भी शामिल है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा का कहना है कि विराट कोहली में डॉन ब्रैडमैन के बाद महानतम बल्लेबाज बनने की क्षमताएं हैं। ब्रैडमैन का टेस्ट में औसत 99.94 है, कोई भी दूसरा बल्लेबाज इसे दोहरा नहीं पाया है। दूसरी तरफ कोहली को आधुनिक क्रिकेट का बेस्ट खिलाड़ी माना जाता है। तीनों फॉर्मेट में कोहली का औसत 50 से ज्यादा है। 32 साल के कोहली वनडे में 43 शतकों के साथ लगभग 12,000 रन बना चुके हैं। वो वनडे में शतकों के सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कुछ यूरोपीय देशों ने आज से अपनी सीमाएं खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि यूरोपीय सीमाओं को सभी के लिए नहीं खोला गया है, इन सीमाओं को कुछ लोगों के इस सीमाओं से गुजरने की इजाजत होगी और कुछ को नहीं होगी। स्पेन ने अपनी सीमाएं 21 जून तक बंद रखी हैं। ग्रीस ने एयरपोर्ट से आने वाले 8 यूरोपीय देशों के लोगों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य किया है। इसी तरह डेनमार्क, चेक गणराज्य ने भी सीमाओं के लिए बड़े और कड़े नियम बनाए हैं। तो ये था आज का बुलेट बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।